दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। राज्य के स्कूलों में 8000 से ज्यादा शारीरिक शिक्षकों की होगी बहाली, इस दिन से कर सकते हैं आवेदन। जी, बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। 8386 पदों के लिए अभ्यर्थी अप्रैल महीने में आवेदन कर पाएंगे। 11 से 26 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। शारीरिक शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मई महीने में हो जाएगी। 28 मई को इन्हें नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने नियुक्ति प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, लू की चपेट में दक्षिण बिहार के 6 जिले। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर जारी किया अलर्ट। यह राज्य के 6 जिले प्रचंड गर्मी के चपेट में है और यहां लू जैसी परिस्थितियां है। सूर्य की प्रचंड किरणों के बीच गर्म पछुआ हवाओं के प्रभाव से गया, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, बांका और बक्सर में अधिकतम पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। पिछले 2 दिनों से इन जिलों में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा बह रही है। मौसम विभाग ने इन सभी 6 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में गर्म हवाओं की वजह से लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं राज्य के अन्य जिलों में पूर्वा हवा का प्रभाव है, इस वजह से औसत अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच है। पटना में भी पारा सामान्य के आसपास है। उत्तर बिहार में भी आंशिक राहत है। चक्रवर्ती परिसंचरण का क्षेत्र दक्षिण व पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी बिहार में 3 और 4 अप्रैल को आंशिक बारिश के आसार जताए हैं। इन जिलों में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे और मौसम खुशनुमा रहेगा। खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में महंगी हुई पढ़ाई, विकास शुल्क समेत इन मदों में देने होंगे अधिक पैसे। यह राज्य के सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई महंगी हो गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है, लेकिन नए सत्र में 1 अप्रैल से एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। स्कूलों द्वारा अधिक फीस लिए जाने पर पेरेंट्स विरोध भी जता रहे हैं। आपको बता दें कि अब 9वीं व 11वीं में प्रवेश शुल्क 50-50 रुपए देने होंगे। पहले 9वीं में प्रवेश शुल्क 20 रुपए, 11वीं में प्रवेश शुल्क 15 रुपए थे। वहीं 9वीं में विकास शुल्क अब एक बार फिर 80 रुपए देने होंगे। पहले 2 किस्तों में यह राशि ली जाती थी। वहीं 11वीं में विकास शुल्क अब 200 रुपए लिए जाएंगे। पहले विकास शुल्क 160 रुपए थे। अगली बड़ी खबर, अब मॉर्निंग शिफ्ट में खुलेंगे पटना के सभी प्राथमिक स्कूल, 11 बजे मिलेगा मिड डे मील। जहां मौसम के कड़े रुख को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। बिहार में लू का अलर्ट जारी है। मौसम का तेवर तल के और प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित है कि कोरोना का खतरा एक बार फिर न पैदा हो जाए। आपको बता दें कि अप्रैल में ही जून से गर्मी को देखकर हर कोई परेशान है। पटना की जिला शिक्षा अधिकारी ने इस बाबत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पटना जिले में सभी प्राथमिक स्कूल अब मॉर्निंग शिफ्ट में खुलेंगे। आदेश के तहत प्राथमिक स्कूल सुबह 6 बजे से 11 की शिफ्ट में चलेंगे। स्कूली छात्रों को सुबह 11 बजे मिड डे मील दिया जाएगा। बच्चे हर हाल में दोपहर से पहले घर तक पहुंच जाए, इसका ख्याल रखा जा रहा है। खबर, बिहार में 875 तरह की दवाई हुई महंगी, इन बीमारियों का हो गया महंगा इलाज। जी हाँ, दिल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर समेत दूसरी बीमारियों से पीड़ितों के लिए चिंताजनक खबर है। बीते 1 अप्रैल से जो दवाओं के रेट में इजाफा हुआ है वो पटना सहित पूरे बिहार में बाजारों में 15 अप्रैल तक आ जाएगी। आपको बता दें कि महंगी होने जा रही दवाओं में बुखार में इस्तेमाल होने वाली दवा पैरासिटामोल भी शामिल है। एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोमाइक्लोसिन, हाइड्रोक्लोराइड, फेनोबारबिटोन जैसी दवाएं भी महंगी होने जा रही है। मल्टीविटामिन, एनीमिया में दी जाने वाली दवाओं की कीमतों को बढ़ाने का निर्णय दवा कंपनियों की ओर से लिया गया है। वहीं त्वचा, दिल, गुर्दा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पेन किलर, एंटी एलर्जिक, खून पैदा करने की दवा, टीबी, माइग्रेन, पार्किंसन, डिमेंशिया, साइकोथेरेपी, हार्मोन लिवर, पेट रोग की दवाएं भी शामिल है, जिनके रेट में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में पेपर लीक होने के चलते एनसीसी की सी सर्टिफिकेट परीक्षा हुई रद्द, अब 11 अप्रैल को एग्जाम। जी हाँ, बिहार झारखंड के एनसीसी निदेशालय ने एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए होने वाले परीक्षा पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दी है। एनसीसी निदेशालय के सूत्रों के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है कि पेपर लीक के चलते एनसीसी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट की यह परीक्षा अब दोबारा से 11 अप्रैल को कराया जाना संभावित है।
बड़ी खबर, बिहार में हाईवे पर सफर हुआ महंगा। 65 रुपए तक बढ़े टोल टैक्स, जाने किन वाहनों को नहीं देना होगा टोल टैक्स। जी हां, नेशनल हाईवे का सफर 1 अप्रैल से महंगा हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। साथ ही इसके लिए 2022-23 में टोल बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह 31 मार्च के रात 12 बजे के बाद प्रभावी हो गई है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी 5 से 25 रुपए तक टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी। रक्षा वाहन, अग्निशमक, एम्बुलेंस, सब वाहन, वीआईपी साइन लगे वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाने वालों को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। खबर, अप्रैल माह में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। आज से लगातार 5 दिन बैंकों की छुट्टी। यह बैंक के काम के लिए घर से निकलने से पहले एक बार चेक जरूर कर ले कि कहीं आपका बैंक बंद तो नहीं है। दरअसल इस महीने में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, इसलिए इन छुट्टियों की पूरी लिस्ट चेक कर लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में लगातार कल 1 अप्रैल से 5 दिन यानी 5 अप्रैल तक बैंक बंद रहेंगे। दरअसल बैंकिंग अवकाश विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्यौहार या उन राज्यों में होने वाले त्यौहार पर भी निर्भर करती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अप्रैल के लिए छोड़े गए कामों के लिए ब्रांच जाने से पहले बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख ले। इस लिस्ट के मुताबिक अप्रैल में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। खबर, बिहार सरकार दूसरे राज्यों में काम करने गए मजदूर की करेगी ट्रैकिंग, तैयार हो रहा है सॉफ्टवेयर। जी हां, बिहार से बाहर काम करने वाले दिहाड़ी व अन्य तरह के मजदूर की पहचान करने के लिए श्रम संसाधन विभाग सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा तैयार करेगा, जिसके बाद दूसरे राज्यों में काम करने वालों को खोजना बेहद आसान हो जाएगा। विभाग के मुताबिक कोरोना काल में 16 लाख मजदूर विभिन्न राज्यों से घर वापस लौटे थे, जिसके बाद उन्हें उनके गाँव के पास स्कूल या सरकारी भवनों में रखा गया था, जहाँ क्वारंटाइन रहने के दौरान मजदूरों को उनके स्किल के मुताबिक प्रशिक्षण दिया गया था, ताकि उन्हें रोजगार व स्वरोजगार से भी जोड़ा जा सके। इससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूरों को ट्रैक करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। कोरोना काल में लौटे इन सभी मजदूरों का नाम, पता और उनके स्किल को नए सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद उसके माध्यम से दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर फोन कर उन्हें सूचना लिया जाएगा कि अभी वह मजदूर तत्काल कहाँ काम कर रहा है। इस सूचना के आधार पर उनके डेटा में कुछ बदलाव करना होगा तो वह किया जाएगा, जिसके विभाग के पास उस मजदूर की पूरी जानकारी रहेगी। साथ ही बिहार के मजदूर के लिए जल्द शुरू होगा 24 घंटे का कॉल सेंटर। बड़ी खबर, रामनवमी 2022 के दिन पटना महावीर मंदिर में दिखेगा अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। जी हां, रामनवमी 2022 को लेकर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में भी तैयारी शुरू हो गई है। इस बार रामनवमी के दिन मंदिर में अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। प्राइवेट हेलीकॉप्टर के जरिए करीब 1/2 घंटे तक मंदिर के ऊपर व परिसर के आसपास पुष्प वर्षा की जाएगी। मंदिर में दर्शन को लेकर भक्तों की इस दिन भीड़ उमड़ती है, उनके ऊपर भी फूलों की बरसात की जाएगी। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से रामनवमी समारोह धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा था। इस बार मंदिर प्रबंधन ने धूमधाम से रामनवमी समारोह मनाने का फैसला लिया है, इसकी तैयारी चल रही है। सरकारी स्कूलों में खैनी ठोकने वाले शिक्षकों के सामने खैनी खाते समय पकड़े जाने पर होंगे सस्पेंड। जी, बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के सामने खैनी खाना मास्टर साहब को महंगा पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने इसको लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। नशा मुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग खैनी खाने वाले पर रोक लगाने की शुरुआत करने जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा खैनी खाने वाले शिक्षकों की जांच की जाएगी और अगर उनके पास से तंबाकू बरामद हुए तो उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा। दरअसल सरकार को शिकायत मिली थी कि सुबह के सरकारी स्कूल में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के दौरान बड़े आराम से खैनी बनाते हैं और खाते हैं। खैनी खाने के बाद बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू होता है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने कठोर फैसला लिया है। ऐसा करने वाले शिक्षकों ने तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग जल्द चुनौती और खैनी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रहा है। बिहार में न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, 1 अप्रैल से लागू हो गई है बढ़ी हुई दरें। यह श्रम उन्मूलन की दिशा में नीतीश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के अंदर 2 करोड़ से अधिक मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में इजाफा किया है। बिहार के अंदर दैनिक मजदूरी में 12 रुपए से लेकर 18 रुपए तक रोजाना की वृद्धि की गई है। यह बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल यानी आज से लागू हो जाएगी। श्रम संसाधन विभाग ने बढ़ते हुए महंगाई के आधार मानते हुए न्यूनतम मजदूरी में इजाफे की अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि सामान्य नियोजनों के तहत काम करने वाले अकुशल या
अर्ध कुशल मजदूरों की मजदूरी में 12 रुपये, कुशल की 15 रुपये तो अति कुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में रोजाना 15 रुपये का इजाफा किया है, जबकि पर्यवेक्षी और लिपिकीय कामगारों को 340 रुपये महीने के और अधिक वृद्धि का लाभ मिलेगा। खबर, समाज कल्याण विभाग में अगले माह सीधी भर्ती, अंक के आधार पर मिलेगा मौका। जी, समाज कल्याण विभाग जिलों में विभिन्न पदों के लिए अगले माह वैकेंसी निकालने जा रहा है। राज्य के तमाम जिलों में खाली पड़े पदों के अलावा अगले 5 साल तक के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से पैनल बनाया जाएगा। अगले 5 साल तक इसी पैनल के आधार पर जिलों में नियुक्ति की जाएगी। अप्रैल के पहले सप्ताह में इसके संबंध में आदेश जारी करने की तैयारी है। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग आउटरीच वर्कर, काउंसलर, पारा मेडिकल स्टाफ, हाउस फादर, हाउस मदर व अधीक्षक समेत तमाम पदों के लिए पैनल तैयार करेगा। यह पैनल अंकों के आधार पर निकाला जाएगा और इसमें किसी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। जिलों में तैनाती के लिए विभाग ऑनलाइन वैकेंसी निकालेगा, जिसे ऑनलाइन ही भरा जाएगा। बिहार में आईटीआई की पढ़ाई करने वाले 1.5 लाख छात्र छात्राओं को सरकार ने दी राहत। जी हां, बिहार के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाले तकरीबन 1.5 लाख विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। बिहार सरकार ने आईटीआई के सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेने का फैसला किया है। शुक्रवार को श्रम संसाधन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। कहा कि विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि विभाग को ऐसी शिकायतें मिली थी कि प्रावधान की अवहेलना कर 200 रुपये प्रति विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन फीस वसूल किया जा रहा है। खासकर ये शिकायतें निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से मिली थी। अब सरकार के इस फैसले से यह तय है कि हर साल आईटीआई में नामांकन लेने और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। आज के लिए आपका सवाल बताया कि दवाइयों के दाम महंगे होने से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।